नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आर आर बी एन टी पी सी जीके जीएस का मॉडल पेपर नंबर 112। इसके पहले मैं आपके 111 मॉडल पेपर कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे तो मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और यहाँ पर ऊपर आई का बटन है, यहाँ पर ऊपर आई के बटन पर भी मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक जोड़ दिया है। आप यहाँ से हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी अन्य वीडियो आ रहे हैं, चाहे वो आपके लिए टॉप 100 जीके जीएस या फिर अन्य जितने भी 300 एमसीक्यू की हमारी जो मैं आपके लिए डेली जीके जीएस की सीरीज़ लेके आने चालू कर दिया है, वो भी मैंने आई के बटन पे जोड़ दिया। आप यहाँ से वो प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा 112 नंबर का मॉडल पेपर देखते हैं, आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस का। दोस्तों, पूरा वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 4 से 5 सालों में रेलवे की एग्जाम में पूछे गए वही प्रश्न है। और उसके साथ मैं आपको बता दूं, हर वीडियो में मैं पुराने वीडियो से 2 से 3 प्रश्न भी रिपीट करता हूँ, जिससे कि आपका रिविजन हो जाए और आपके प्रश्न कंप्लीट अच्छे से हो जाए। तो चलिए, आज का 112 नंबर का मॉडल पेपर शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और आप ही जरूर बताइए कि आपको 40 में से कितने मार्क्स आए। साथ साथ अपने आरआरबी जोन का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे कि पता पड़ेगा किस जोन में आप कैसा कंपटीशन चल रहा है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, संगाई त्यौहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? संगाई त्यौहार निम्नलिखित में से कहाँ पर मनाया जाता है? तो इसका सही तो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मणिपुर। देखिए, संगाई त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर का त्यौहार है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कौन सा है स्क्रीन पर, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? आपको बताना है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सौर। ऊर्जा के जो सौर रूप होता है उसमें प्रदूषण की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष कौन सा है? तो कौन सा वर्ष है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1999 से 2000। कौन सा आधार वर्ष है? 1999 से 2000 को आधार वर्ष माना गया है GDP के प्राकलन के लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है। देखिए, मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है। देखिए, मछली कहाँ पे पाई जाती है? पानी में पाई जाती है। तो जो उसके गिल्स होते हैं, मछली गिल्स के कारण ही पानी में सांस ले पाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मशरूम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मशरूम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कवक। मशरूम एक कवक की श्रेणी में आता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कौन सा आप स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के शासनकाल में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, यह संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से। किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो कौन सा राज्य है वो? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नागालैंड ऐसा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई, जबकि म्यांमार, असम और त्रिपुरा इन तीनों की सीमा मिजोरम से लगी हुई है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाले पदार्थ हैं। देखिए, विमंदक और प्रशीतक के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारी जल। देखिए, भारी जल का प्रयोग जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें विमंदक और प्रशीतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे यशत पुष्प कहते हैं? तो निम्नलिखित में से किसे यशत पुष्प कहते हैं? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिंक ऑक्साइड। किसको कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को यशत पुष्प भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सन सिटी कहाँ पर स्थित है? सन सिटी कहाँ पर स्थित है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है सन सिटी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। देखिए, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्या कहा? राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसे सीता कहा जाता था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा। किसने किया था? विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ पे की गई? तो किसमें की गई है? कौन से वेद में की गई है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सामवेद में। किसमें की गई है? सामवेद में की गई है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य। कौन सा राज्य है?
बिहार राज्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है? तो कौन सा राज्य है इसका सही उत्तर को दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। कौन सा राज्य? राजस्थान राज्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पाली। देखिए पाली भाषा का ज्यादातर प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। षणमुगन वेंकटेश निम्नलिखित खेलों में से किस एक के उत्कृष्ट खिलाड़ी है? देखिए षणमुगन वेंकटेश निम्नलिखित खेलों में से किस एक खेल के उत्कृष्ट खिलाड़ी है? तो किस खेल से संबंधित है उनका? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल खेल से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है कौन सी है? वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग वनस्पति के निर्माण में प्रयोग होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र। किस नदी की है? ब्रह्मपुत्र नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रबड़। देखिए कौन सा जैव निम्नीकरण है तो कौन सा है? रबड़ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी अकबर के दरबार में। किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? आपको बताना है निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ राज्य में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है कहाँ पे, किस देश में बना हुआ है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी? सबको पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यूएसए में। कहाँ पे बनाया हुआ? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से। किससे संबंधित है संतोष ट्रॉफी? फुटबॉल से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदानों में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? आपने देखा होगा पूर्ण आकार के जो गोल्फ मैदान होते हैं उसमें कितनी संख्या में होल्स की संख्या होती है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 18। कितने होते हैं? 18 होल्स होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आईसीसी। कौन सी है? आईसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तात्कालिक प्रक्रिया। कैसी है? एक तात्कालिक प्रक्रिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी तापमान को स्थिर रखना। क्या है? तापमान को स्थिर रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कहां पे खोदी गई थी? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कलिंग में। कहां पे खोदी गई थी? कलिंग में खोदी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन कौन सा आप स्क्रीन पर? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आयोडीन का। किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किससे अमलगम कहते हैं? तो किसे अमलगम कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पाराजस्ता। किसको कहा जाता है? पाराजस्ता को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा खनिज अम्ल है? आपको बताना है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा खनिज अम्ल है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बायोगैस। कौन सा नहीं है? बायोगैस नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो कौन था? इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड लुटियंस। कौन था? एडवर्ड लुटियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन ओलिया ने भेंट करने से इंकार कर दिया था? तो किससे इंकार कर दिया था? इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किससे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकबर ने दीन ए इलाही वर्ष में प्रारंभ किया था? तो किस वर्ष में प्रारंभ किया था अकबर ने दीन ए इलाही? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1582। कब किया था? 1582 ईस्वी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो कौन था वह पुर्तगाली? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो डी अल्बुकर। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कौन सा है? सांची क्यों
विख्यात है, मतलब सांची क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के कारण। किस लिए? सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के कारण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉन टेनिस। किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। तो दोस्तों आज मैंने आपको RRB NTPC जी जिसका मॉडल पेपर नंबर 112 बता दिया है। आपको अगर हमारे पुराने 111 मॉडल पेपर देखना तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पर ऊपर आई बटन पे दे दिए। इसके अतिरिक्त जो हमारा लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स मैंने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसके आप बहुत डिमांड कर रहे थे, वो भी चालू कर दिया है। मैं आपके लिए डेली 2019 जनवरी 2019 से लेकर अभी तक के कंप्लीट करवा दूंगा। जो भी बच्चे NTPC ग्रुप डी या अन्य किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके 15 से 20 मार्क्स बढ़वा देगा किसी भी एग्जाम में। इसलिए आप इस वीडियो सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए। इसका भी लिंक मैंने यहाँ पर ऊपर आई के बटन पर यहाँ पर दे दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे खुल जाएगी, आप सारे वीडियो डेली देखिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि नए स्टूडेंट सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।